एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित कटाई गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने सहाना परवीन को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 1920 बॉर्डर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 758 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 140 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 12 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 50 विद्युत पोल, 3 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खटंजे व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं हरजीत सिंह, यहाँ प्राथमिक विद्यालय जोगीपुरा में प्रधानाध्यापक हूँ और ये हमारे प्रधान जी, ग्राम प्रधान, ये हमारे सहायक अध्यापक हैं, ये हमारा विद्यालय परिवार है और इस विद्यालय में मैं पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में जो कार्य हो रहा है आप देख रहे हैं, ये सबके सहयोग से हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी और अच्छा हो, अच्छी सुविधाएं हो, बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर अच्छा हो। और आने वाले समय में हमारे प्रधान जी इसमें टाइल्स बिछाने वाले, लेटरिन बाथरूम भी बढ़िया बनवाने वाले, टोटी वगैरह फिट करवाएंगे और हमारा दोनों का ये प्रयास है कि शिक्षा भी बेहतर हो और जो स्कूल है इसका जो भौतिक परिवेश है वो भी आकर्षित रहे, जिससे कि बच्चों का मन लगे, अभिभावक भी खुश रहें और एक इस गांव में मिसाल बने कि मतलब स्कूल अच्छा है। और जिस तरह से सरकार का भी लक्ष्य है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, और हमारा जो भारत सरकार है इस अभियान पर बहुत सारा पैसा भी खर्च करती है, तो उसका सदुपयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत स्तर से भी, जिस तरह से भी प्रधान जी के सहयोग से हम सब मिलकर इसको और अच्छा बनाएंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि शिक्षा और भौतिक परिवेश दोनों अच्छे हों।